जब डिक्शनरी कोर्स के कुछ लेसन पढ़ाऊंगा। अभी प्रिया आपने एक सवाल पूछा था कि तुम क्या हो, वह तुम्हारा क्या लगता है। मल्लिका सर उसको जानते हो, आपकी दीदी है, बड़ी दीदी है, ठीक है। मैं कहा तू बार बार रोज क्यों कहता है कि इससे पूछे तुम्हारी क्या लगती है, जैसे किसी के घर में किसी की मम्मी की चलती है। बड़े सिंपल सिंपल शब्द हैं बस। अब मैंने यहां लिखा तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे हो, बोलो। ब्यूटीफुल। अब हम यहां पर क्या बोलेंगे, पहले बनाएंगे तुम लाडले बच्चे, तुम होगी अंग्रेजी क्या होगी, पहले तुम होगी अंग्रेजी बनाएंगे। जिस वाक्य से टेंस बनता है ही है हूं, इससे बनता टेंस, तो पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे फिर बाकी के बनाएंगे। हमने तुम हो की अंग्रेजी बनाई यू आर, राइट। अब लाडले बच्चे हो क्या होगा, यू आर ए फॉन्डलिंग चाइल्ड, यू आर ए फॉन्डलिंग चाइल्ड। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक नई चीज पढ़ाऊंगा, एक टेबल दूंगा, उसे अब याद करेंगे। जब हम कहते हैं तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे हो, वहां पर अब समझना है इसको, तुम के साथ अपने आए तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम तुम्हारे माता पिता के लाडले बच्चे हो, क्या हुआ। जैसे मैं बोलता हूं मैं अपने माता पिता का लाडला बच्चा हूं, वह अपने माता पिता का, शब्द तो अपने आ रहा है ना, वह अपने माता पिता का लाडला बच्चा है, तो शब्द तो अपने आ रहा है, राइट। तो वह के साथ जब अपने आएगा तो क्या लगेगा, मैं के साथ जब अपना आएगा तो क्या लगेगा, और तुम के साथ जब अपना आएगा तो क्या लगेगा। तो इसके लिए हम एक टेबल याद करेंगे, नंबर 10 पे मैं दे रहा हूं। पहले हमने लिखा था आई, क्या लिखा था, आई माय मी, आई के बाद क्या था, यू, यू यूअर दे, बोलते रहो, नाइ, यस, यू यूअर यू। देखो आप सुन, अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप गलत याद करोगे, तो आपको ABCD कैसे याद हुआ, पढ़कर सुनकर। कभी आपने रट्टा मारा था 1 2 3 4 5, अब रट्टा मारते हो, सुन सुन के याद हो गया कि 1 के बाद 2 आता है 2 के बाद 3, ऐसे टेबल सिस्टम मैंने बनाया, ऐसे याद हो जाएगा आपको, क्या, यू यूअर यू, बोलिए, आई, यू के बाद क्या था, दे, बोलो, दे देयर देम, ब्यूटीफुल। जब तक मैं हाथ ऐसे ना करूं आप बोलते रहिए, ये निशानी है, ठीक है। आप लोग जब क्लास में पढ़ेंगे, और आप लोग भी जो टीवी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, या प्रोजेक्टर के पर्दे पर देख रहे हैं, या मुझे कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे स्टूडेंट्स के साथ साथ बोलिए, आई माय मी, आई माय मी, यू यूअर यू, यू यूअर यू, दे देयर देम, दे देयर देम, आई यू दे के बाद क्या था, वी, वी आवर अस, वी आवर अस, वी आवर अस, वी आवर अस, बोलते रहिए, वी आवर अस, वी आवर अस, ब्यूटीफुल। अब वी के बाद क्या था, he his him, 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 beautiful, she her her, 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 beautiful। अब मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। अब देखिए आप, अब ये जैसे मैंने ही हिज हिम किया, शी हर हर है, तो अब इसको याद कैसे करो, हर हर है ना, बोलो हर हर महादेव, हर महादेव, एक ही बार बोलो, काफी, दोबारा बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब कंफ्यूजन हो जाए तो आप याद करो यार हर हर महादेव बोला था, हर हर आएगा, राइट। आगे चलकर मैं इनको भी याद करने का तरीका बताऊंगा, फिलहाल इतना ही काफी है।
मेरे साथ मिलकर बोलेंगे एक बार, आई माय मी, आई माय मी, यू योर यू, यू योर यू, दे देयर देम, दे देयर देम, वी आवर अस, वी आवर अस, ही हिज हिम, ही हिज हिम, शी हर हर, शी हर हर, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, गिव अ बिग हैंड टू योर सेल्फ. अब मैंने बोला गिव ए बिग हैंड टू योर सेल्फ, ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. ये अप्लॉज क्या होता है, सारे शब्द आपको पढ़ाऊंगा. और अभी तो मैं शब्द पढ़ा रहा हूं, लेकिन शब्द याद करने के तरीके नहीं बता रहा. जब डिक्शनरी कोर्स के कुछ लेसन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा शब्द याद कैसे करते हैं. नाउ अब देखो, यू आर ए, तुम अपने, तुम के साथ अपने के लिए क्या आएगा, यू आर ए फाउंडिंग चाइल्ड ऑफ. तो बोलो आई माय मी, आई माय मी, यू 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 यू, दे देयर देम, वी आर अस, ही हिज हिम, शी हर हर. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल. देख तो मैं यहां क्या आएगा, यू आर ए फाउंडिंग चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स. अब ये किस किस के लिए ये टेबल, काम की टेबल नजर आ रही है. पहली बार आपको ज्ञान हुआ, राइट? भास्कर स्कूल में आने के बाद आपको इस चीज का ज्ञान हुआ कि हमने इस प्रकार से याद करना है. हम अपनी टेक्निक से पढ़ाएंगे और ये दावा करते हैं कि जो हमारी टेक्निक से पढ़ता है, बस मैंने दो कंडीशन बनाई कि मैंने कहा जो हमारी टेक्निक से पढ़ेगा उसको अंग्रेजी का वक्ता बनेगा, लेकिन शर्त मैंने एक रखी, आपको हर रोज आना है और समय पर आना है, राइट? नंबर 14. अब देखो मैंने दिया, तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो. बोलिए, तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो, तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो, तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो, तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो. ब्यूटीफुल. अब देखो, अब नॉट कहां लगेगा, पहले तो हम अंग्रेजी बनाएंगे यू आर, तुम हो, क्या बनाएंगे, यू आर. अब नहीं के, अब उल्टा चलेंगे, नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, यू आर नॉट. अब देखो नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गई, अब क्या है, लाडले बच्चे, लाडले बच्चे की अंग्रेजी क्या होगी, ए फॉन्डलिंग. You are not a fondling child. अब के की अंग्रेजी क्या होगी, ऑफ. का के की अंग्रेजी क्या होती है, ऑफ. आगे चलकर प्रपोजिशन भी पढ़ाएंगे आपको. तो यू आर नॉट ए फॉन्डिंग चाइल्ड ऑफ यूर पेरेंट्स. बोलिए, यू आर नॉट ए फॉन्डिंग चाइल्ड ऑफ यूर पेरेंट्स. अब नंबर 15, सेंटेंस नंबर 15 में मैंने दिया, क्या तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो, क्या तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो, क्या तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो, क्या तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो, क्या तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो, क्या तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे नहीं हो. अब देखिए ये आपको समझ आ गया, पहले यहां पर हमने क्या कहा था, तुम हो की अंग्रेजी बनाई थी, तुम हो जब अंग्रेजी बना ली यू आर, फिर हम उल्टा चलेंगे, फिर नहीं था, नहीं की अंग्रेजी क्या बनाई, नॉट. लाडले बच्चे की अंग्रेजी क्या बनाई, के की अंग्रेजी क्या बनाई, माता पिता की अंग्रेजी क्या लिखी, अपने माता पिता की अंग्रेजी लिखी यूर पे. उल्टा चले थे ना हम लोग, पहले मेन अंग्रेजी बना ली, प्रोनाउन लिख लिया, हो की अंग्रेजी बनाई, हेल्पिंग वर्ब लगाया, और फिर हम उल्टा अंग्रेजी बनानी शुरू कर दी, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी ऐसे आई और अंग्रेजी ऐसे बनी. ठीक है, क्लैरिटी होती जा रही है थोड़ी थोड़ी. क्या तुम अपने माता पिता के बच्चे लाडले बच्चे नहीं, सॉरी. अब देखिए इसमें प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से, किससे बन रहा है, क्या से. बोलो क्या से, 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 क्या से. ब्यूटीफुल. जिस वाक्य में
प्रश्न क्या से बने, उस वाक्य में हम क्या को छुपा देंगे, यानी कि जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस प्रश्न वाले शब्द को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। तो इसको छुपा दिया, क्या बचा? अब नंबर 14 और नंबर 15 एक ही हो गया, ऊपर भी ये लिखा हुआ है, उसकी अंग्रेजी वही बनेगी, क्या बनेगी? जब आप तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूं। स्टार्ट। ब्यूटीफुल। अब प्रश्न वाले वाक्य में हम वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर आया तो पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, एक कैपिटल आएगा ना, तो ये हो गया आर यू नॉट ए फाउंडिंग चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। क्या वाक्य हो गया? ब्यूटीफुल। तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे क्यों नहीं हो? बोलते रहिए तब तक जब वेरी गुड। अब प्रश्न यहाँ किससे बन रहा है? तो इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा हुआ? तो ये प्रश्न किससे बन रहा है? तो तीन बार बोलेंगे, तीन बार का मतलब नौ बार। क्यों से, 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 क्यों से। ब्यूटीफुल। अब प्रश्न क्यों से बना, तो क्यों को अगर छुपा दें तो ये देखिए मैंने क्यों को छुपा दिया, तो क्या बचा? तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे, यानी कि नंबर 14 और नंबर 16 एक जैसा हो गया, तो अंग्रेजी क्या बनेगी? क्या बनेगी? यू आर नॉट ए फाउंडिंग चाइल्ड ऑफ योर। बीच में किसी ने आई बोला, किसने बोला था आई? हाँ, तो बोल लिखिएगा यू आर, बोलते रहो। You are not a fondling child of your parents. अब प्रश्न वाले वाक्य में नियम क्या है? आप याद रखो कि भास्कर स्कूल के अंदर आपको ये पढ़ाया गया था कि प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य का आप लिखिए मत अभी, जब सबको लिखने के लिए कहा जाए तभी लिखिएगा। क्या नाम है आपका? हाँ, सुनंदा कोहली, कोहल, ठीक है। तो सुनंदा आपने लिखना तभी है जब आपको लिखने के लिए कहा जाए। तो यू आर नॉट ए फाउंडिंग चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। अब प्रश्न वाले वाक्य में आप याद रखो कि हमने भास्कर स्कूल में आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया हमने? कि प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आ। अब यहां प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से। किससे बन रहा है? क्यों से। डब्ल्यू फैमिली का वर्ड मैंने लिखा था पहले बोर्ड पर, क्यों, वो हेल्पिंग वर्ब से भी बाहर आएगा। हमारा आंसर हो गया व्हाई आर यू, वेरी गुड, व्हाई आर यू नॉट, व्हाई यू नॉट ए फाउंडिंग चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। अब यहां एक नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आएंगे। अगर दोनों साथ साथ हैं, बोलो, तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत, ठीक है, नहीं तो गलत, हाँ गलत, नहीं तो गलत, ठीक है। चलिए, तो वाई आर यू नॉट अ फाउंडिंग चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब उतार लीजिए इसे। सबने उतार लिया? वेरी गुड। अब अभी प्रिया आपने एक सवाल पूछा था कि तुम क्या हो, मैं उसी पर आ रहा हूं।
आपने देखा होगा बच्चों को एक सवाल अक्सर स्कूल में सिखाया जाता है कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। ये सभी को इसकी अंग्रेजी आती है। बोलिए, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? 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 बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, इसकी अंग्रेजी हम बताते हैं, व्हाट इज योर फादर। अब ये व्हाट कैसे आया? व्हाट इज योर फादर? व्हाट्स योर फादर? अब मतलब क्या हुआ कि देखिए, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तो हमने इसकी अंग्रेजी बनाई व्हाट इज योर फादर, मतलब तुम्हारे पिताजी क्या हैं। तुम्हारे पिताजी हैं कि अंग्रेजी क्या होगी, देखो आप, तुम्हारे पिताजी हैं, योर फादर इज, यही है ना। अब हम कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी क्या हैं, क्या की अंग्रेजी हुई व्हाट। क्या दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये होता है कि तुम क्या तुम काम करते हो, क्या तुम खाते हो, एक है तुम क्या खाते हो, क्या अंदर आ रहा है। तुम्हारे पिताजी क्या काम कर, ये क्या प्रश्न के शुरू में नहीं लिखा हुआ। अभी तक जो हमने किया था वो क्या था, क्या मैं क्या वाक्य दिए थे, क्या तुम अपने माता पिता के लाडले बच्चे हो, क्या बिगनिंग में था। अब ये क्या वाक्य के अंदर आ रहा है, तो हम इसको बनाने की क्रिया सीखें कि जब हमने देखा कि तुम्हारे पिताजी हैं कि अंग्रेजी योर फादर इज है, अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि तुम्हारे पिताजी क्या हैं भाई। प्रश्न वाले वाक्य में क्या होगा, वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, योर फादर इज था तो इसको बाहर ले आए, और क्या की अंग्रेजी क्या है यहां पर, व्हाट। जब क्या वाक्य के अंदर हो तो उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, व्हाट। क्या बनेगी, व्हाट। क्या बनेगी, व्हाट। तो व्हाट यहां लिखा तो हमारा आंसर क्या हो गया, व्हाट इज योर फादर। ठीक है, क्लैरिटी हो गई। अब आपने पूछा था नेहा तुम क्या हो, तुम क्या हो, मतलब अगर मैंने कहना हो कि तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो, बोलो तुम क्या काम करते हो, तुम क्या काम करते हो, या मैंने कहना हो तुम क्या हो, तुम क्या हो, इसकी अंग्रेजी भी क्या होगी। अब देखो आप, पहले हम अंग्रेजी किसकी बनाएंगे, देखो आप दोनों में, दोनों की अंग्रेजी एक ही बनेगी, तुम हो, तुम हो की अंग्रेजी क्या होगी, और इसमें इधर मैंने बोला तुम क्या हो, तुम क्या हो। अब तुम हो की अंग्रेजी क्या होगी, यू आर, और अब मैंने कहना है क्या, क्या कि क्या वाक्य के अंदर है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। अब आर जो है यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा आर, आर को हम कहां लगाएंगे, वाक्य से पहले लगाएंगे, और वाक्य की अंग्रेजी क्या होगी, वाक्य की क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। और आंसर क्या हुआ, व्हाट आर यू। तो व्हाट आर यू का मतलब है तुम क्या हो यार, तुम क्या काम करते हो। हम कह तो रहे हैं तुम क्या हो, लेकिन हम कहना पूछना ये चाहते हैं कि तुम काम क्या करते हो, व्हाट आर यू। हे मैन, व्हाट आर यू। सर, आई एम एन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आई एम ए बिजनेसमैन। सर, आई एम इन द जॉब। इस प्रकार आप अंग्रेजी बना सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको इंटरव्यू टिप्स दूंगा, हर लेसन के अंत में बताया करूंगा, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताऊंगा कि हम अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करें। हर रिश्ते के अंदर हमें प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है, कम्युनिकेशन की। हर जॉब में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कम्युनिकेशन की, कि हम अपनी बात को कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, तुम क्या हो, ये है, कुछ लोग कहते हैं कि तुम हो क्या, इसका मतलब क्या होता है, तुम हो क्या, फिर बोलने की चेंज हो जाती है बैठी, तब बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। ये तू है क्या, एकदम पूछे व्हाट आर यू। सर, व्हाट आर यू, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज ही। अब जब हम कहते हैं तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरा स्तर क्या है, उसके लिए आता है व्हाट इज योर स्टेटस। वो हम गुस्से में बोलते हैं खुद, अबे जा जा हट पीछे, तू है क्या, व्हाट इज योर स्टेटस।
तो स्टेटस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो हम आगे चल के बताएंगे आपको। स्टेटस शब्द को लेकर मैं बताऊंगा, मुझे याद दिला देना, ठीक है। नंबर 19 में मैं दे रहा हूं, वह क्या काम करता है, बोली अब देखना इसके बाद वाले वाक्य से सेंटेंस कैसे टर्न ले रहा है। ये तो अब आपको याद हो गया, क्या होगा इसकी अंग्रेजी, व्हाट इज ही, भाई वो क्या है, व्हाट इज ही। हिंदी में हम कह देते हैं वो क्या काम करता है, व्हाट इज ही। अब मैं कहता हूं अगले वाक्य में, देखिए आप, वह तुम्हारा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, वह तुम्हारा क्या लगता है, बोलिए वेरी गुड। अब वह तुम्हारा क्या लगता है, पहले तो हम बनाएंगे वह क्या है, क्या होगी अंग्रेजी, व्हाट इज ही। देखो सेंटेंस टर्न कैसे लेता है, कैसे मुड़ता है सेंटेंस, हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है, राइट। कितना इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहा है, हमने इसकी अंग्रेजी बनाई, व्हाट इज ही। अब इसके बाद हम जोड़ देंगे, व्हाट इज प्रपोजिशन लाएंगे टू, आगे चलकर हम प्रपोजिशनल इंग्लिश भी आपको पढ़ाएंगे, व्हाट इज ही टू यू, क्या बोलेंगे, व्हाट इज को शॉर्ट में व्हाट्स भी बोलते हैं, WHAT और अपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगा देते हैं, व्हाट्स ही टू यू, बोलिए व्हाट्स ही टू यू, ही पे हाथ इधर करते, व्हाट्स ही टू यू। अब ये खड़े हैं, मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मैं आगे आके आपको समझाता हूँ, राइट। जैसे रितु, क्या नाम है, रितु शुक्ला, राइट। आपका नाम क्या है, विपिन सरावत, वेरी गुड। तो यू आर द ब्रदर ऑफ मलिका सरावत, मलिका सरावत को जानते हो, आपकी दीदी है, बड़ी दीदी है, ठीक है। चलिए अब रितु, मैंने आपसे पूछा कि ये आपका क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू। अगर मैं पूछूं व्हाट इज ही, तो सर ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। अब मैंने बोला व्हाट इज ही टू यू, तो आप बोलोगे सर ही इज माई क्लास फेलो, क्या बोलोगे, सर सर नहीं, सर ही इज माई क्लास फेलो, ब्यूटीफुल, लेट्स वेलकम देम, बैठे। तो व्हाट इज, अब समझ आ गया आपको, व्हाट इज ही टू यू। अब ये आमतौर पे बड़ी प्रॉब्लम आती है बोलने में, कॉन्वर्सेशन के अंदर जब हम कहना चाहते हैं वो तुम्हारी क्या लगती है, अब वो तुम्हारी क्या लगती है पे याद आया, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक दिन हम लॉ फैकल्टी में बैठे हुए थे, तो मेरा एक फ्रेंड था अशोक, तो एक लड़की आई तो उससे आकर के उससे कोई बात की, तो मैंने कहा अरे अशोक ये कौन है, बोले शी इज माई कज़न। तो साथ में एक और हमारा दोस्त था आलोक, तो आलोक ने स्माइल पास कर दी, तो मैंने कहा आलोक इसमें मुस्कुराने की क्या बात है, तो बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा रहा है, तो व्यंग्यात्मक ढंग को हम बोलते हैं अंग्रेजी में, नंबर 11 लिखिए, इन ए सरकास्टिक मैनर, इन ए सरकास्टिक मैनर, इन ए सरकास्टिक मैनर, व्यंग्यात्मक ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग्यात्मक ढंग से बोलिए, इन ए सरकास्टिक मैनर, इसमें होता है व्यंग्यात्मक ढंग से, तो बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। तो नेक्स्ट डे फिर हम मिलते ही थे लॉ फैकल्टी में, हम लोग कॉफ़ी वगैरह पीते थे, तो अगले दिन फिर वो लड़की आ गई, फिर
मुझे आलोक ने टांग मारी, मैं क्या बात है, मैं कल भी तूने टांग मारी थी और मुझे कहा था इससे पूछ। एक्चुअली मैं किसे पूछता नहीं, हमारा क्या मतलब है कि तुम्हारे क्या लगती क्या लगता है पूछने का। तो अगले दिन फिर उसने मेरे को फिर टांग मारी, मैंने क्या बात है, बोले पूछिए इसकी कौन लगती है। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अशोक ये तुम्हारी कौन लगती, बोला कल भी तूने पूछा था, मैं कहा ये मुझे टांग मारा था कह रहा था इससे पूछिए कौन लगती। कहता वही मैं सोचा था भास्कर तो कभी किससे पूछता नहीं, आज क्यों पूछ रहे तुम्हारी क्या लगती है। तो मैं कहा बताओ क्या लगती है, बोला मेरी कजन है। तीसरे दिन फिर वो आई, फिर उसे टांग मारी, फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहा देखा आज फिर मुझे टांग मार रहा है। मैं कहा तू बार बार रोज क्यों कहता है कि इससे पूछिए तुम्हारी क्या लगती है। कहता मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ इससे बार बार पूछ क्योंकि पहले ये मेरी कजन थी आजकल इसकी कजन बनी हुई है। राइट, तो व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू, समझ गए आप लोग। तो मैं किसी से नहीं पूछता वो तुम्हारा क्या लगता है वो क्या लगती है, लेकिन जब उसे टांग मारी तो मुझे पूछना पड़ा। राइट, तो ये ऋतु आपने अच्छा हुआ ही इज माई कजन नहीं बोला, ठीक है, वह मेरा दुश्मन है। बड़ा सिंपल सा वाक्य है, ही इज माई, वेरी सिंपल। अब आपको ये तो पता लगी गया कि प्रश्न वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। अब मैं बोलता हूँ क्या है मेरा दुश्मन, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही इज माय एनिमी। नंबर 22, वह मेरा जानी दुश्मन है, वह मेरा जानी दुश्मन है, वह मेरा जानी दुश्मन है। He is my, जानी दुश्मन की अंग्रेजी होती है implacable, क्या होती है implacable, I am PLACABLE, he is my implacable enemy, बोलिए वेरी गुड, ही इज माई इम्प्लेकेबल एनिमी। नेक्स्ट मैंने बोला, मैं बोलता हूं भाई मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, बोलिए मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। राइट, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। जिद्दी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किसी को आती है, वेरी गुड। माय सन इज वेरी, माय सन इज वेरी स्टबर्न, STUBBORN, माय सन इज वेरी स्टबर्न, बोलो माय सन इज वेरी स्टबर्न। अब नंबर 24, मैं कहता हूं ये तो हर एक के घर में कोई ना कोई डिसीजन लेने वाला होता है, जैसे किसी के घर में किसी की मम्मी की चलती है, किसी के घर में किसी के पापा की चलती है, किसी में किसी के दादाजी की चलती है ना। हम पूछते हैं तुम्हारे घर में सर्वे सर्वा कौन है, राइट, तुम्हारे, बोलो तुम्हारे घर में सर्वे सर्वा कौन है, तुम्हारे घर में सर्वे सर्वा कौन है, तुम्हारे घर में सर्वे सर्वा कौन है, और तुम्हारे घर में सर्वे सर्वा कौन है, तुम्हारे घर में सर्वे सर्वा कौन है, जोश के साथ, ब्यूटीफुल। तो हम क्या बोलेंगे, हु इज, अब सर्वे सर्वा की अंग्रेजी होती ऑल इन ऑल, बड़े सिंपल सिंपल शब्द हैं, हमने सुने हुए हैं, कई बार हमें आते भी हैं, फिर हमें याद क्यों नहीं आते, याद क्यों नहीं आते इसका भी आपको कारण बताऊंगा। हु इज ऑल इन ऑल इन योर फैमिली, बोलो हु इज ऑल इन ऑल इन योर फैमिली, Who is all in all in your family? 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 अब अपने पार्टनर के मुंह करो और पूछो Who is all in all in your family? Who is all in all in your family?
अब सेंटेंस नंबर 25 मैंने दिया, वह अपनी कॉलोनी का बदनाम व्यक्ति है। बोलिए, वह अपनी कॉलोनी का बदनाम व्यक्ति है। अपने पार्टनर से बोलो, वह अपनी कॉलोनी का बदनाम व्यक्ति है। बस अब क्या आएगा, बदनाम व्यक्ति की अंग्रेजी होती है अब ब्लैक शीप। क्या होती है? बोलिए, अब ब्लैक शीप। अब ब्लैक शीप माने बदनाम व्यक्ति। क्या जी? ब्लैक शीप माने, तो लिखो ही इज ए ब्लैक शीप ऑफ हिज कॉलोनी। ही के साथ अपने के लिए, यू के साथ यूअर, आई के साथ माय, और ही के साथ हिज। ही इज ए ब्लैक शीप ऑफ हिज कॉलोनी। बोलिए, ही इज ए ब्लैक शीप ऑफ हिज कॉलोनी। बोलिए, उतार लीजिए।